आज के वीडियो में मैं बात करूंगा ध्रुव राठी के बारे में और ध्रुव राठी की कुछ चीजें बताऊंगा कि कैसे ध्रुव राठी बड़े ही प्यार से फैक्ट्स को मैनिपुलेट कर देते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये मत सोचना कि मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट या किसी पार्टी का सपोर्ट कर रहा हूँ, सिर्फ मैं ध्रुव राठी के बारे में वीडियो बना रहा हूँ कि ध्रुव राठी किस तरह बड़े प्यार से बड़े हौले हौले फैक्ट्स को धीरे धीरे मैनिपुलेट करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और अगर अच्छा लगे तो शेयर करना। ध्रुव राठी एक्सपोज है। ध्रुव राठी बड़े ही चालाकी से डेटा को मैनिपुलेट करते हैं या फिर डेटा उस तरह का ले लेते हैं जिसमें उनकी बात सही साबित हो जाए और एक्चुअल डेटा को नहीं लेते हैं। तो ध्रुव राठी का काम ही यही है कि चीज़ों को मैनिपुलेट करना होता है। और ध्रुव राठी को बड़े बड़े यूट्यूबर्स एक्सपोज मार चुके हैं, जिसमें एल्विश यादव ने अभी रिसेंटली ध्रुव राठी को एक्सपोज मारा है। तो इस वीडियो में जो एल्विश यादव ने बनाया था उसमें ध्रुव राठी का एक पॉइंट उठाया गया और वो पॉइंट ये था कि फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन। तो ध्रुव राठी ने बोला कि भैया इक्का दुक्का रिलीजियस कन्वर्जन होते हैं इंडिया में, लेकिन हम सब जानते हैं कि रिलीजियस कन्वर्जन इंडिया में बहुत बड़ी परेशानी है। और इसके बारे में पूरा डेटा भी दिया हुआ है कि कितने परसेंट रिलीजियस कन्वर्जन होता है इंडिया में। तो ये चीज को ध्रुव राठी ने इस तरह दिखा दिया कि रिलीजियस कन्वर्जन के बारे में इसलिए न्यूज चैनल्स बोलते हैं, इसलिए बताते हैं ताकि डर का माहौल क्रिएट और पर्टिकुलर पार्टी जीते। और उन न्यूज चैनल को तो गोदी मीडिया बोल दिया जाता है। मैं मानता हूं कि हाँ कुछ चीजें गलत हैं इंडियन मीडिया में, बहुत सी चीजें गलत भी हैं, बट जहां पर किसी चीज का सही मुद्दा उठाया जा रहा है तो उस चीज को सही बोलना चाहिए, ना कि उसको मैनिपुलेट कर देना चाहिए। आपको उसके बारे में थोड़ी सी वीडियो दिखा देता हूं। में दिखाई जा रही है, कंप्लीटली मैन्युफैक्चर करी जा रही है आपके अंदर डर बिठाने के लिए, ताकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को डर के नाम पर वोट। अब मैं ये नहीं कह रहा कि फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन बिल्कुल ही नहीं होती देश, एक्चुअली में इसके काफी लेजिट और रियल केसेस देखने को मिले हैं, जहां पर कुछ लोगों ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश करी है कुछ लोगों का, जो कि बहुत ही गलत चीज, लेकिन वो इंडिविजुअल केसेस देखने को मिले। इक्का दुक्का कहीं पर कुछ केसेस देखने को मिले, इक्का दुक्का भाई भगवान कसम, अगर मैं चीजें गिनवाने लग गया ना, मतलब सारे केसेस गिनवाने लग गया, वीडियो 12 घंटे के भी पार चली जाएगी, कई फिल्म निकट जाएगी इसके अंदर। तो भाई ये सब चीजें तुम मत ही बोलो, हमें भी पता है कितने हजारों फोर्सफुली कन्वर्ट हुए, कितनी लड़कियां सूट केस में आए, कितने लड़कों को मार दिया गया क्योंकि वो इंटर रिलीजन, समझ रहे हो ना, मैं आगे ज्यादा बोलूंगा नहीं, समझ गए होगे भाई क्या क्या सीन चल रहा। जिनसे अब ध्रुव राठी का एक और एग्जांपल आपको देता हूं। कभी कभी लगता है कि ध्रुव राठी गवर्नमेंट के हिसाब से, कि उस स्टेट में किस पार्टी की गवर्नमेंट है उस हिसाब से चीजों को बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे उनके मन मुताबिक गवर्नमेंट है तो वहां पे अगर कुछ गलत हो रहा है तो मुद्दा नहीं उठाया जाएगा उनकी वीडियो में, और अगर उनके मन मुताबिक गवर्नमेंट नहीं है तो जरूर एक ऐसा वीडियो बनाया जाएगा जिसमें डेटा दिखाया जाएगा और डेटा को इस तरह दिखाया जाएगा ताकि लोग ब्रेन वॉश हो जाएं और गलत समझें। अब आप बताइए, जब केरला ने बहुत अच्छा किया था फर्स्ट वेव के दौरान, जब कोरोना आया था, तब ध्रुव राठी ने वीडियो बनाया था कि केरला मॉडल से सीखो, केरला ने इतना अच्छा किया है, केरल बहुत अच्छा कर रहा है। और लेकिन जब सेकेंड वेव आई और केरल में अभी तक सेकेंड वेव चल रही है और केसेस कम नहीं हो रहे हैं, तब ध्रुव राठी का कोई भी वीडियो नहीं आया है कि क्यों केरला कोरोना को रोक नहीं पाया, क्यों केरला में चीजों में इतनी लापरवाही हुई कि एग्जाम्स करवाए गए, बहुत सी चीजों में ढील दी गई और केरला ही अब थर्ड वेव का कारण बन सकता है इंडिया में, तो इस पे वीडियो क्यों नहीं आया है ध्रुव राठी का। ध्रुव राठी सिर्फ छोटे मोटे डेटा पे ही गलत न्यूज नहीं देते हैं, ध्रुव राठी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स की भी गड़बड़ न्यूज दे देते हैं और किस बेसिस पे रिपोर्ट्स को कैलकुलेट किया जाता है वो भी गलत बता देते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट्स को तो ये कभी देखते ही नहीं है। तो अभी कुछ दिन पहले ध्रुव राठी ने वर्ड्स हैप्पीनेस रिपोर्ट पे एक वीडियो बनाया और जिस पर उन्होंने बताया कि हैप्पीनेस 6 फैक्टर्स पे कैलकुलेट की जाती है और उन 6 फैक्टर्स में अगर कंट्री अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, इट मींस कंट्री इज नॉट हैप्पी। और इस पे एक्सपोजे वीडियो बनाया कैरोलाइना गोस्वामी ने और जिन्होंने बताया कि भैया ऑफिशियल वेबसाइट में ये क्लियरली लिखा है कि 6 फैक्टर्स के बेसिस पे हैप्पीनेस नहीं कैलकुलेट की जाती है। आप थोड़ी सी क्लिप देखिए, फिर मैं आपसे बात करता हूं आगे। This YouTuber has made in his video. इसका नाम है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में कैसे मेजर करते हैं ये हैप्पीनेस को और कैसे अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करते हैं। इस रिपोर्ट में बेसिकली 6 क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पर एक देश की हैप्पीनेस कैलकुलेट करी जाती है और इस हैप्पीनेस को बाकी देशों की हैप्पीनेस से कंपेयर किया जाता है। रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग।
Let me quote something directly from the World Happiness Report official webpage. We do not construct our happiness measure in each country using these six factors. Yes, it has been clearly mentioned, happiness rankings are not based on any index of these six factors. Let me repeat this once again. ध्रुव राठी का मैं बता देता हूँ आपको क्या है। अब देखिए, दिल्ली में अगर कुछ भी गड़बड़ होता है, दिल्ली की गवर्नमेंट के थ्रू अगर कुछ भी ऐसी गलती होती है तो ध्रुव राठी का वीडियो नहीं आता है, बिकॉज पार्टी उनके मन मुताबिक है। अब केरल में सीपीआई की पार्टी है तो वीडियो नहीं आया। तो ध्रुव राठी के जो डेटा बनता है, जो फैक्ट्स बनते हैं, वो पार्टी के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं कि भैया जिस पार्टी होती है उस पार्टी के अकॉर्डिंग डेटा बना दो और पब्लिक को ऐसे दिखाओ मैनिपुलेट करके इनडायरेक्टली, हल्का सा स्लाइटली, कि धीरे से वो हल्का हल्का ब्रेन वॉश होते चले जाएं। तो ये एक बहुत ही अच्छा टैलेंट कह सकते हैं कि हाँ, एक कला है उनके अंदर कि किसी भी चीज को ऐसे पेश करना कि बिल्कुल सच और अच्छी लगे। और बोलने का तरीका तो है ही अच्छा, तो बस इसी तरह से ध्रुव राठी की गाड़ी चल रही है। बट अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है और एक्सपोज किया जा रहा है। तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखो, अगर वीडियो देखते हो, मैं देखता हूं कि कमेंट्स ही नहीं आ रहे ध्रुव राठी के वीडियोज में, लोग लाइक पे लाइक कर रहे हैं। और ध्रुव राठी के साथ एक और चीज है, जैसे मैंने ध्रुव राठी के अगेंस्ट में वीडियो बना दिया तो अब मुझे बहुत सारे डिसलाइक्स आने वाले हैं, बहुत सारी गालियां आने वाली हैं, क्योंकि इनका पूरा गैंगअप रहता है जो कि जाके हल्ला बोल देता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि वीडियो को लाइक करना अगर कुछ भी समझ में आया, और शेयर जरूर कर देना, जो लोग ध्रुव राठी को देखते हैं उनके तक पहुंचा दो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी।